हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम। मेरा नाम है वजह। तो यार फाइनली भाई शादी की रस्में चल रही हैं सारी और माता जी ने आके माफी भी मांग ली। अब आगे देखते हैं। तो स्टार्ट। आपसे निवेदन है महादेव, इस विवाह हेतु आपके आपके वास्तविक रूप को पुनः धारण करें। दोबारा धारण करें जो आपका पहले का रूप। मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूँ। लेकिन कैसे करेंगे? रूप को देखकर नंदी जी को याद आ रही है इन्होंने। और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। लेकिन ये बातें भगवान शिव जी का श्राप अब वो एक दफा तो हो तो क्या ना पूरा जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। हाँ वही वाला, वही रूप जिससे हमारी पुत्री ने प्रेम किया है। अब माता जी देखो ना बिल्कुल यार उस तरह उनको श्राप मिला है ना सुनो। लेकिन वो पूरा तो हो गया आज के मेरे पास। वही रूप जिससे हमारी पुत्री ने प्रेम किया है। ना नंदी जी को याद आता है थिंक अभी तक वो नहीं हुआ ना पूरा। पर ये भगवान से भी सुन सकते हैं हम क्यों। ये देखना यार जैसी आपकी आज्ञा माता। देखिए नंदी जी बोलिए ना। हाँ यार वही तो है, नंदी जी बोलिए आप आगे ना क्योंकि वो उनको तो याद आ गया यार। उनको तो है लेकिन अब ये तो भगवान शिव जी जान सकते हैं ना अच्छे से। मेरे ख्याल से तो श्राप पूरा हो चुका है, एक दफा वो बेहोश हुए फिर ये रूप चेंज अब वो दोबारा उसमें आ गए। लेकिन अभी तक शादी मेरे ख्याल से कभी नहीं है ना, अभी तो फेरे में रह लेते हैं। मैं भी वही चीज कह रहा हूँ। लेकिन यार अभी और भगवान शिव जी ने वो श्राप अपने आप पे ले लिया था। किंतु प्रभु यदि आपने अपने वास्तविक रूप में विवाह कर लिया अब सुन तो भविष्य में दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप पर कुछ दुष्प्रभाव भी तो पड़ सकता है। माता की इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म। लेकिन यार वही ना, लेकिन उनके श्राप भी। यदि माता चाहती है कि मेरा विवाह मेरे वास्तविक रूप में हो तो ऐसा अवश्य होगा। मैंने कहा ना भगवान शिव जी जी अब जो अच्छे से भविष्य में उसके दुष्प्रभाव को सहना मुझे स्वीकार है। ओ ये देख ले यार माता जी के लिए देख क्या क्या कर रहे हैं। तेरे भविष्य में जो भी हुआ मैं बर्दाश्त कर लूंगा। देख ले ये सिर्फ इनकी मैना देवी जी की वजह से जब उन्होंने एक किस्म की मैं इनकी माता जी जो है। हाँ तैयारियां चल रही हैं यार है माता पार्वती और ज्वेलरी यार बहुत इंडियन ज्वेलरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बहुत प्यारी है। तैयार हो रही हैं देख के ना मैंने वही आभूषण सब पहन लिया है। और तुझे पता है जो हम पाकिस्तानी भी ज्वेलरी सारी पहनते हैं वो इंडियन की सारी इंडियन की यूज करते हैं हम। अच्छा ये देख ये सारे ये देखा। हाँ ये जो हमारी दोनों ने पहना होता है सारा इंडियन जो कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं। होता तो ये हमारी भी ज्वेलरी इसी तरह इंडिया का कल्चर हर जगह फॉलो तो तभी तो इतनी खूबसूरती होती है। माता पार्वती लोग देख अब क्या चल रहा है अरे मंडप में आ रहे ये चीज दबदाश अपरिदाश उदविदाश। हां ये वो मंत्र ओम विराजो दोहा विराजो दोहा विराजो दोहा विराजो दोहा मतलब आई थिंक बैठी यार ये मुझे जो है ना फेरों की रस्म बहुत अच्छी लगती है।
पहले लड़का आई थिंक पहले लड़की होती है आई थिंक पहले लड़के होते हैं फिर लड़की आती है मेरे ख्याल से राजन देखते हैं हाँ पहले लड़का फूल माधे को दीजिए सही है सही पहले आदमी मंगल सूत्र कराते हैं उसके बाद सिंदूर लगाते हैं उसके बाद हाँ पहले लड़का आके सात वचन देते हैं पूरी जिंदगी ये अरे भाई भगवान की अरे आई गई पूरी दुनिया आई हुई थी अरे वो चीज़ आज हम देख रहे हैं जिसका हमने भाई बड़े टाइम इंतजार किया था बहुत कम कन्या को मंडप में बुलाया जाए अरे भगवान जी की सफर नहीं हो रही वो भी जल्दी से ओहो नजरे भगवान जी की हजारों साल हरिम सुवर्ण रजतस्य राजाम चंद्रम हरणमहिम लक्ष्मी जात वेदो महावः तामयावह जात वेदो लक्ष्मी मन भगवने यस्याम हिरण्यं विन्देहं गामश्च माता जी फुल खुश है जिसे कहते हैं कोई संदेह हस्तनाद प्रमोदन क्योंकि आप इसी रूप में स्वीकार कर लिया ना माता जी यानी कि माता पार्वती जी के ऊपर कहते हैं दुनिया की सारी खूबसूरती भी जो है ना अगर डाल दो तो वो भी कम आए क्या लग रही है भाई माता पार्वती जी चारों तरफ लोग ही लोग हाँ इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शादी हो रही है ये राजन हाथ जोड़कर कन्या का ध्यान करें और संकल्प कीजिए वो लंबा भी आ गया व्रतोऽस्मि व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षया माप्नोति दीक्षया माप्नोति श्रद्धया तद्यवाप्यते भूतेन न लोभो बुधो बुधो हम अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्त हेतु ये कन्यादान करवा रहे हैं अच्छा अपने ये पूर्वजों की मोक्ष हे विश्वदेवा हमारे मन को एक डोर में बांध कर हमें मिला दे हे विश्वदेवा हमारे मन को एक डोर में बांध कर हमें एक कर यार उस वक्त जो लोग होंगे उनको इस शादी का मजा कितना आया होगा सोच सिर्फ दुनिया के खुश नसीब लोग थे सिर्फ कल्पना था समझ भाई उन लोगों ने शादी के फर्क पा लिया राजन अभी भी राज अब वो माता पिता आते हैं अब ये शुरू हो गए फेरों के राजन आप पति पत्नी पंच आहुति दें क्या दें आहुति कह रहे हैं पंच आहुति हाँ ये आई थिंक कोई घी होता है तेल शेल आ कुछ लग रहा तेल ही लग रहा है तो है वो ही है आ
माता जी के साथ हाथ थामा है। अरे भाई साहब मजा आ रहा है मतलब यार मजा आ रहा है, मंडप पे पहुंच गए यार और रस्में शुरू हो गई हैं। ये चीज और भगवान शिव जी अपने रूप में आ गए हैं, माता जी ने विनती की, लेकिन भाई उनको वो देना, नंदी जी को भी याद है कि भाई उन्होंने तो श्राप दिया हुआ, फिर उन्होंने भगवान शिव जी को बोला, लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं नहीं, माता जी ने बोल दिया तो उनका पालन करना मेरा फर्ज, भविष्य में जो भी तकलीफें आएंगी उनका मैं सामना कर लूंगा। यार ये देखो मैंने कहा ना कि अब जी भगवान शिव जी अच्छे से जान सकते हैं, हम क्या जाना, देखो नंदी जी को भी ख्याल आते तो जब भी मुझे भी थोड़ा सा तो हुआ, लेकिन मैंने कहा यार भगवान शिव जी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और अब तू खुद अंदाजा लगा भविष्य में पता नहीं इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो मिल सकता है। हाँ जहरी बात है, भगवान शिव जी ने बोला है ना कि जो भी असर होगा वो जो देखो एक चीज होता है सब खैर खैरियत से भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन ऐसा होता है जैसे हमने तकलीफें देखी बस वैसी तकलीफें ना मिले, वो चीज बाकी दुनिया देखी थी, नाच रहे हैं किसी भी जगह नहीं बची होगी, मैं पूरी ब्रह्मांड के लोग आए हुए हैं और अब तेल आई थिंक ये जो होती है ये आई थिंक तेल डाल ये रस्म होती है बिल्कुल, और अभी शुरुआत हो चुकी है भगवान शिव जी और माता पार्वती की फाइनली शादी की, हाँ फिर मजा आने वाला है अब, मतलब कि यार जिस तरह के सारे लोग आए हुए हैं ना यार, मैं कहता हूँ कि जलवे ही है मजा, जब मैं वही कहता हूँ ना हमारी शादियों पे 200 300 400 500 लोग होता है कितना मजा आता है, और यहाँ करोड़ों लोग होगा, और आज पूरी दुनिया के अंदर इंडियन कल्चर यही फॉलो हो रहा है जो इस तरह हाँ, और हमारी दुल्हने भी इसी तरह सजती हैं, जेवर गहने यार पहले भी तो हम भारतीय थे, पहले भारतीय थे ये तो अलग बात, हमें तो वो अलग चीज है, लेकिन हमारा भी तो कल्चर ये शुरू से यही सारा आ रहा है ना, जो मतलब के स्टार्ट किया था भगवान शिव जी ने और सारे, और जिस तरह सारा कल्चर दक्ष जी ने सारे जो सूर उस टाइम के, तो वो सारे वो भी चलते आ रहे हैं और क्या, लेकिन यार अब आगे देखते आगे होता है क्या, इधर वीडियो खत्म कर